हैं खबरों की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले में एक घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे घर में सो रही एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियां जिंदा चली गईं और उनकी मौत हो गई। आग का कारण रूम हीटर से लगना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के कोरार थाना क्षेत्र के जुल्ला गांव का है और यहां पर बीती रात एक घर में शॉर्ट सर्किट आग लगी। लोगों ने स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक घर में सो रही एक महिला और दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। ग्राम जल्ला में ये सूचना पुलिस को मिली थी कि रात की लगभग 10:30 बजे एक यहाँ पर गांव के एक घर में आग लग गई और उस आग लगने से यहाँ पर कुछ लोगों को वो आग में जल गए हैं। तो मौके पे आके जांच की गई है और थाना पुलिस और साथ ही फील्ड यूनिट की टीम सभी लोग मौके पर उपस्थित हैं। मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो यहाँ जाँच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है और साथ में इनके दो छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है, ये तीनों सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर जो रूम हीटर था उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पे आग लग गई।